अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल और सुपर 8 के सिलसिले की शुरुआत होने लगी है। आज पहला मुकाबला होगा सुपर 8 के सिलसिले का और यस पाकिस्तान नहीं है उसमें, वो तो खैर हम कई दफ़ा बता चुके हैं, कई दफ़ा उस पर अफसोस कर चुके हैं, बट उसके इर्द गिर्द और क्या चीज़ें हो रही हैं। अब पाकिस्तान टीम की तो एग्ज़िट हो गई है वर्ल्ड कप से, कब प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे वापस, आएंगे कब, आएंगे नहीं आएंगे, क्या चेंजेस होंगी क्या नहीं होंगी, आगे आने वाली टेस्ट सीरीज़ में हमें कौन से खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे नहीं दिखेंगे, क्या T20 की परफॉर्मेंसेस पे टेस्ट सीरीज़ के डिसीजन लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, और बहुत सारी डिस्कशन है न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड टीम को देखें, न्यूजीलैंड टीम भी जो है वो सुपर 8 में नहीं पहुंची, बट वहां क्या रद्द अमल हुआ उसके हवाले से भी आज डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी गुफ्तगू होगी आज जोर का जोर के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान टीम नहीं है और हम यकीनी तौर पर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब तक ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो जाता हम ये कहते रहेंगे साथ ही साथ, क्योंकि हमें ये दुख रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम नहीं है सुपर 8 में। तो ये एक खौफनाक सी हकीकत है जिसका हमें सामना करना है, लेकिन हमने इससे बाहर भी निकलना है हम आने वाले दिनों में, ताकि बेहतर अपनी क्रिकेट को कर सके। कुछ खिलाड़ी जैसा आपने कहा कि कौन कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो कुछ अफसरदा चेहरों के साथ वतन वापस पहुँचे हैं खिलाड़ी, कुछ अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन कभी भी ये अच्छा नहीं लगता बहसीत पाकिस्तानी कि आपके खिलाड़ी किसी भी गैर मुल्की दौरे से वापस आएँ और उनके सर झुके हों और उनकी आँखें शर्मा रही हूँ अपने पाकिस्तानियों का सामना करते हुए। तो ये बात ज़रूर है, यहाँ पर हमेशा ये बात हुई है कि इस क्रिकेट को पाकिस्तान की हमने बचाना है, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी और बातें होंगी तो यकीनी तौर पर उनमें यही होंगी कि पाकिस्तान क्रिकेट हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे आगे लेकर जाएंगे। ब्लेम गेम देखे करना बहुत आसान है, इसको ब्लेम कर दें, उसको ब्लेम कर दें, इसको ब्लेम कर दें, बट उस ब्लेम गेम के बाद हम आगे करेंगे क्या, क्या रद्द अमल होगा। इसको ब्लेम कर देंगे तो दूसरा कौन आएगा जगह उसके, किसी एक्स वाई जी को ब्लेम करने के बाद क्या आपके पास रिप्लेसमेंट होगी, क्या रिप्लेसमेंट नहीं होगी, ये बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब अभी अनफोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसा आपने न्यूजीलैंड का जिक्र किया तो केन विलियमसन के बारे में भी ये इत्तला हैं कि वो अगला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे हैं अपनी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर ही अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलने के लिए जो कुछ टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए उन्होंने दस्तयाबी जाहिर की है। तो रद्दअमल के हवाले से कैप्टनसी भी उन्होंने छोड़ दी, तो ये फौरी तौर पर जो एक रद्दअमल है ये बिल्कुल सामने आया है कि न्यूजीलैंड की टीम अगर बाहर हुई है वर्ल्ड कप से और सुपर 8 में वो नहीं जा पाए हैं, तो वहाँ पर उनके जो सबसे बड़े खिलाड़ी थे, ये सिर्फ उनकी टीम के कैप्टन नहीं है, उनके मुल्क के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं ऑल थ्री फॉर्मेट्स में, अपनी टीम की न सिर्फ नुमाइंदगी करते हैं बल्कि मुश्किल वक्त में मैचेस भी जीता करते हैं। तो एक रद्दअमल ये भी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी चीज़ें, इससे पहले कुछ देर पहले मेरा ख्याल है उनके जो ट्रेंट बोल्ट हैं उन्होंने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेने का फैसला किया था। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट किन खतूत पर आगे बढ़ रही है और क्या ये वाकई जो ट्रेंट ये जो केन विलियमसन है अगर इन्होंने अपना नाम वापस लिया है या अपने क्रिकेट बोर्ड को बताया तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और इसका क्या असर पड़ेगा न्यूजीलैंड क्रिकेट पर, और क्या वो जा रहे हैं उसके ऊपर कि अपने नए खिलाड़ियों को मौका देने का, और जो आपने बात की वो सबसे अहम है कि आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है, आप कैसे लोगों को मुतबादल खिलाड़ियों को तब्दील कर उनके मुतबादल ला सकते हैं, और इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाने से तो मसला हल कभी भी नहीं होने वाला। बिल्कुल, ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, ब्लेम गेम वहीं खड़ा रहेगा, वहीं वो बातचीत होती रहेगी, इसको ब्लेम कर दो, उसको वक्त ज़ाया होता रहेगा ना, वक्त ज़ाया होता है और वक्त ज़ाया करने में तो खैर बहुत माहिर हैं हम वक्त ज़ाया करते रहते हैं, फिर हमें 11th आर पे ख्याल आता है कि अब ये करना है। सो यस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसके हिसाब से अब हमारा अगला टारगेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होना चाहिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे नज़र डालनी चाहिए। सो यस, जो टेस्ट टीम है उसके हिसाब से सोचना बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से सोचने के लिए शान मसूद की खबरें ज़रूर रोटेट कर रही हैं इस वक्त, कि शान मसूद ने डिमांड की है एक डिफरेंट टीम की, कुछ डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स की। हमें शाहनवाज धानी जो है वो टूअर ही करते हुए दिखे, घूमते हुए दिखे, उन्होंने उनको खिलाने की डिमांड की है, आमिर जमाल को खिलाने की डिमांड की है। मेजर कोर प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम के हैं उसके हवाले से उन्होंने रेस्ट का कहा है कि उनको रेस्ट देना ज़रूरी है, कि उन प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट दिया जाए। और दूसरी बिल्कुल एक बड़ी खबर है इस हवाले से, ये डेवलपमेंट है बिल्कुल एन वर्ल्ड कप के बाद, चूंकि पाकिस्तान की अगली जो मसरूफियत है वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस हैं जो कि जैसा आपने जिक्र किया WTC के सिलसिले में है, तो वहाँ पर जो अब तक रिपोर्ट हो रही है, शान मसूद को भी कोट कर रहा है मीडिया, कि एक तो शाहीन, बाबर और रिजवान, ये मेरा ख्याल 3-4 खिलाड़ी हैं जिनके बगैर वो बांग्लादेश के खिलाफ
खेलना चाहते हैं और सैफी को वो रिजवान के लिए उन्होंने सरफराज अहमद की बात की है, शाहीन के लिए उन्होंने कहा कि मेरे पास और लिस्ट है जो फास्ट बोलर्स की लिस्ट है वो हम रिप्लेसमेंट में हमारे पास हो सकते हैं, तो इनको रेस्ट कराया जाए और इनके बगैर जो है वो पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेले। तो ये अब देखना ये कि ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम कुछ नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहते हैं और मुतबादल खिलाड़ियों की तरफ जाना चाहते हैं, तो देखना तो ये है कि क्या वाकई आपके पास उतनी चीज़ें मौजूद होंगी और इसमें किस हद तक इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा, क्या ये रेस्ट होगा, ये ड्रॉप होगा, ये आप ज़बरदस्ती किसी को बाहर कर रहे हैं या फिर आपकी बातें नहीं मानी गई इस वजह से कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वक्त गुजरता चला जाएगा तो हालात भी वाजे होते चले जाएंगे। ये जो अबर आलूद मतला है, ये बादल छटेंगे तो इसके नीचे से कुछ किरणें निकलेंगी तो वो चीज़ें पहुँचाएंगी कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया WTC के मैचेस पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं और अब पाकिस्तान का अगला मकसद वही होना चाहिए कि हमने ये जो WTC की साइकिल है उसमें जो मैचेस हमारे पास हैं हमने उनको कैसे जीतना है और वहाँ पर अच्छी जगह पर हमने उसको फिनिश करना है कि जब हम जा रहे हों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अख्ताम की तरफ तो पॉइंट्स टेबल में जरा हम अच्छी जगह पर हों। बिल्कुल, बट हाफिज़ हमारे यहाँ ड्रॉप नहीं होते, कोई बीमार हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, ड्रॉप तो हमने बड़ी रेयरिटी में सुना है कि किसी को ड्रॉप कर दिया गया, वो इंजर्ड ही होता है, उसको साइड स्ट्रेन हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो भी मुअम्मा बन जाता है कि साइड स्ट्रेन है या फ्रंट स्ट्रेन है उसका कोई पता चलता नहीं है। तो ये भी क्लैरिटी ज़रूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा कि हमें कोई पता चलता नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो एक समत का तायुन होना ज़रूरी है। उसके लिए उस समत को उसका तायुन करने के लिए जिन आपके पास लोगों का होना ज़रूरी है जो आपकी समत का तायुन बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकें, और उसके बाद जब आपने मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है बिल्कुल वो मुहैया की जाएँ, फ्राहम की जाएँ और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे पाकिस्तान के क्रिकेट तेजी से दोबारा वापस अपने मकाम पर आए। बिल्कुल, और आप लोग ऐसा ना सोचें कि आज हम अकेले ही बात करते रहेंगे और अकेले ही बोलते रहेंगे, ये जरा कुछ चीजें थी जिस पे बहुत जरूरी बात करना ये था कि उसको इंट्रोडक्शन में ही हम आपके साथ जो है शेयर करें। बट यस, अब हम खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर्स को और सबसे पहले हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी को खुशामदीद कहते हैं। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, खैरियत से। ईद का तीसरा दिन, ईद मुबारक फिर से। सुहेल तनवीर को भी खुश आमदीद कहेंगे। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सुमेरा। और मोहम्मद वसीम को भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम मेरी तरफ से। सो अब ये कोरम पूरा हो गया है, जोर का जोड़ के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक साथ अब मौजूद हैं, और जब एक साथ मौजूद हैं तो शुरुआत फिर हम उन्हीं खबरों से करते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड जो है वो सुपर एट में नहीं पहुंचती है, एंड आज जो है वो ऐलान हो जाता है कि केन विलियमसन जो है वो अपनी कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर जाएंगे एंड ही वोंट गो फर्दर फॉर द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके दो नज़रिए हैं, या तो वो इस परफॉर्मेंस के बाद ये कर रहे हैं या फिर ये कि इन द फ्यूचर अब वो जो है वो लीग्स की तरफ जाना चाहते हैं और अपनी मर्जी से ऑप्ट करेंगे और ऑप्ट आउट करेंगे सीरीज। लाला, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, केन विलियमसन का ये डिसीजन आप कैसे देखते हैं? सवेरा मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी जी। देखिए सवेरा, वहां का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। एक दिन वो ब्रांड यंग था तो वो बड़ी जल्दी रिटायर हो गया, तो मैंने वैसे ही पूछा कि क्यों इतने जल्दी, अभी तो क्रिकेट बाकी थी। उसने कहा, लाला वन डे आई वोक अप आउटसाइड द विंडो, दैट वाज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो आई थॉट दैट्स इट। तो उनके लिए हर दिन नया और खूबसूरत दिन होता है। वो उनका कल्चर टोटली डिफरेंट है। वो जो है वो बोर्ड को जहमत नहीं देते, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। और विलियमसन की जहां तक बात, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का रहा है, उसने काफी क्रिकेट खेली, काफी टीम को लीड किया है, लेकिन वो दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं और मेरिट के ऊपर बात करते हैं। वो लोग वो मेरिट पसंद कौमें हैं,
मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन लिया है उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, दूसरों को भी मौका ठीक है। मेरे ख्याल में काफी अच्छे से विलियमसन कप्तान रहा है और बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बड़ा टीम को अच्छी तरह, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है तो बहुत ही बुरी खराब परफॉर्मेंस रही है, और जो डिसीजन उसने लिया है जबरदस्त डिसीजन लिया है। मैं समझता हूँ कि वो अपनी जो भी क्रिकेट आगे खेलेगा उसको ज्यादा इंजॉय करेगा, हर चीज का अपना एक टाइम होता है सवेरा। बिल्कुल ठीक है वसीम साहब, आपके ख्याल में चूंकि आप न्यूजीलैंड क्रिकेट को किसी और नज़र से देख रहे हैं, आपके ख्याल में शायद वहाँ पर जो लीग क्रिकेट है वो उनके खिलाड़ियों को खींच रही है अपनी तरफ, तो आपको लगता है कि ये दो चीज़ें एक ही जगह पर जमा हो गई, एक वर्ल्ड कप की ख़राब कारकर्दगी, फिर केन विलियमसन, अगर T20 लीग्स की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है तो उन्होंने कहा ये बेहतर वक्त है कि अब किसी नौजवान को मौका भी मिले, वो भी अपनी क्रिकेट खेलते रहे और मुल्क की क्रिकेट भी चलती रहे। देखिए आप मौके देते हैं ना, देखो जिस तरह मैंने कहा कि काफी अरसे से टॉप परफॉर्मर रहा है वो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है वो, सॉरी आई थॉट कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी वसीम भाई, नहीं देखिए एक तो लीग वाला कल्चर तो हमने देखा है वहां पे, जब अभी उनकी सीरीज से हमारे साथ उनके प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, उन्हें आईपीएल को, मतलब जब हम लीग क्रिकेट की बात करते हैं ना तो देखें सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा कि एक जो फैक्टर है ना वो आईपीएल का है, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है, हर चीज वहां पे है, उसकी वजह से कुछ हमें डिसीजन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करते हैं केन विलियमसन की, कि वो पूरी आईपीएल ऑलमोस्ट बाहर बेंच पे वो बैठे रहे हैं, आई एम नॉट श्योर नेक्स्ट ईयर वो पिक होंगे नहीं होंगे, कितनी डिमांड है उनकी टॉप की लीग्स के अंदर कि वो, मतलब आपको अगर मैक्सवेल मिल रहा है, पूरन मिल रहा है, इस तरह के प्लेयर्स मिल रहे हैं तो आप जाएंगे विलियमसन की तरफ, शायद आप नहीं जाएंगे। कुछ लीग्स है यू नो PSL वी ऑलवेज वेलकम भी आए वहाँ पे खेलने, लेकिन अगर आप बड़ी लीग आप बाकी जो देखते हैं जहाँ पे यू नो प्लेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे तो उनकी मार्केट इतनी ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक इसको आप लीग के साथ अगर हम नहीं मिलाते तो थोड़ा सा आप देखें कि एक शायद ने जो बात की है कि हर टीम का एक हर चीज का एक टाइम होता है कि आप 5 साल 3 साल यू नो कुछ चीजें होती है उसके बाद आप दोबारा उनको देखते हैं, तो ऑब्वियसली एक तो परफॉर्मेंस वाइज भी हमने देखा और शायद साथ में उनको ये भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला एक लीग्स वाला फैक्टर हो सकता है, दूसरा जो देखें वो स्टेज पे नहीं आना चाहते कि जहां पे शायद उनको इस साल नहीं तो अगले साल वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही ना हो, तो वो थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर लेते हैं चीजों की कि उस स्टेज के ऊपर जाने से पहले ही हम एक अच्छा डिसीजन ले लें कि अभी से, तो मेरे ख्याल में जो डिसीजन इस तरह के होते हैं, मतलब उसने तो नहीं कहा कि मैं जाऊंगा और मैं जरा क्रिकेट बोर्ड से बात करूंगा उसके बाद वो डिसाइड करूंगा क्योंकि रिटायरमेंट हो गया या आपने कोई चीज छोड़नी है, वसीम डिफरेंट कल्चर है और वो पहले से ये सोच लेते हैं कि जिस वक्त हम लाइबिलिटी बनने लगे अपनी टीम की, जिस वक्त हम बोझ बनने लगे अपनी टीम पे, हमें से पहले हम खुद ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो स्टेप डाउन कर जाएं, और ये कल्चर है वहाँ का, हमारे यहाँ जनरली ये कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ आखिर तक रिटायरमेंट नहीं देते प्लेयर्स जब तक के बोर्ड उनसे कहता नहीं है कि बस अब आपको और नहीं खिला सकते। खैर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ हवा में दावे किए हैं इमरान रियाज साहब ने, और वो क्या दावे किए हैं उस हवाले से डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। बात हमारी हो रही थी केन विलियमसन के हवाले से, जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी कैप्टनसी से एंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी अब मना कर दिया, फर्दर ऑन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे वो जब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ऑफर करेगा। सुहेल आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, बिकॉज जिस तरह हम डिफरेंट कल्चर की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर है, हमें पता है कि उस कल्चर में जाहिर सी बात है एक तो ज़्यादा फोकस नहीं है क्रिकेट, और बहुत सारे गेम्स भी हैं, मगर उस कल्चर में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी लोग लेते हैं, और जब ये पता चलता है, जब ये वो फील करते हैं कि वो टीम के लिए लाइबिलिटी बनना शुरू हो गए, सो दे स्टेप डाउन देमसेल्व्स। मेरा ख्याल से ये कल्चर जो है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड होना चाहिए, बेहतर है। जी सवेरा, देखिए होना तो आइडियली तो होना चाहिए, बट वी लिव इन अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट कल्चर, यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट हैं, या चीजें डिफरेंट तरीके से देखी जाती हैं, तो मैं कंपेयर करना लेकिन मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली हो नहीं सकता, यहाँ होता नहीं है जो हमने माजी में देखा या आप इवन अभी देखती हैं। जहाँ तक केन विलियमसन की आपने बात की, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में मैं इसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहूँगा,
मेरे ख्याल में दोनों एस्पेक्ट थे कि ही न्यू कि अब शायद जिस तरह की टी20 क्रिकेट आगे मूविंग फॉरवर्ड जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है ही डजंट रियली फिट इन न्यूजीलैंड क्रिकेट. और दूसरा मेरे ख्याल में ये लीग क्रिकेट वाला भी एक एलिमेंट इसमें मौजूद होगा ऑब्वियसली, बट मेनली मुझे लगता है कि वो बिकॉज ऑफ जो बुरी परफॉर्मेंस हुई वर्ल्ड एंड देन मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरह की क्रिकेट हो रही है इवन न्यूजीलैंड के बैटर जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं तो आपको केन विलियमसन उसमें कहीं फिट इन होते हुए उस तरीके से नजर नहीं आते. तो मेरे ख्याल में इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डिसीजन किया. और एज शाहिद भाई सैड एंड वसीम भाई ने भी बोला कि काफी लंबे अरसे से वो कर रहे हैं करते आ रहे हैं कैप्टनसी, अब अगर वो खेले भी तो ही रियली वुड लाइक के किसी यंगस्टर को साथ ग्रूम किया जाए, वो अपनी प्रेजेंस से उसको गाइडेंस दें कैप्टनसी अगर कि कोई यंगस्टर लेता है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन. आपको मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आपके पास अथॉरिटी होती है, आप जाते हैं खेलते हैं, इफ यू डिलीवर यू आर अ हीरो, इफ यू डोंट डिलीवर तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है. और ये उसी का आपको मेरे ख्याल में एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है केन विलियमसन. अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत जरूरी है कहीं भी किसी भी जगह पे. अगर आपको एक आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो वो बहुत जरूरी है होना, आप उससे अपटाइट रहते हैं और ऑन योर फीट रहते हैं. बट लाला जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो स्केपगोट ढूंढे जाते हैं कि किसके ऊपर इल्ज़ाम डालें इस शिकस्त का, कौन सा स्केपगोट ढूंढें, किसको जो है कहा जाए कि इसकी वजह से हारे और उसकी वजह से. एक इल्ज़ाम इमरान रियाज साहब ने आपके ऊपर भी लगाया और स्केपगोट शायद पूरी टीम को छोड़ के आपको बनाने की कोशिश की गई है. क्या क्या माजरा है, क्या सिलसिला है? सवेरा ना तो मैं सिलेक्टर हूँ, ना मैं कोच हूँ, ना कुछ और हूँ, मैं तो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं हूँ. ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी हैरत होती है कभी कभार कि लोग झूठ को बेचते किस तरीके से हैं. हैरान होता हूँ कि ये लोग अपनी औलाद को क्या हलाल रिस्क खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, ये लोग किस तरह झूठ फैलाते हैं, समझ से बाहर है. जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं और उन लोगों में आप झूठ को फैला रहे हो तो आई मीन आप कहाँ स्टैंड करते हो. खैर सवेरा कल रात को मेरी एक मेरे पीटीआई के दोस्त हैं कोर कमेटी के, सीनियर हैं काफी, उनसे बात हो रही थी और काफी लाला सॉरी ये वो चीजें हो रही हैं और हम खुद भी बहुत तंग है ये सोशल मीडिया वगैरह जिस तरह चीजें को लेके चलता है. लेकिन लाला आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए था. मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए था, कह रहे वो बेचारा जब से बाहर आया वो मेंटली स्टेबल नहीं है वो. तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता था इस चीज का, अगर वो मेंटली ठीक नहीं है तो मैं तो उसके लिए दुआ गोई हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे. आई मीन इसका कोई और जवाब बनता नहीं है सवेरा मेरे नजदीक. बिल्कुल मतलब अगर आपने फिर हद यानी कि खत्म हो गई ये इस तरह के जो बयानात होते हैं अगर शाहिद साहब इसको देखते हैं तो ये आप समझते हैं कि अवामी सतह पर नफरत इनसे फैलती है और जो हम क्रिकेट तो इत्तेहाद का पैगाम देती है. आई मीन कि इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे आपके इतने फॉलोअर्स हों, जाहिर बात है आपके अल्फाज जो है ना वो तीर से ज्यादा खतरनाक होते हैं. तीर तो आई मीन कि एक दफा कमान से निकल जाता है तो फिर उसको वापस कमान में लाना बहुत मुश्किल काम है. तो जबान ऐसी चीज है कि आप क्या कह रहे हो, किस वक्त कह रहे हो, कितना आपने कहना है और किस वजह से कह रहे हो, क्या आपके पास कोई सबूत है, आपने कहाँ से ये खबर नोट की है, किस कोई सोर्स आपके पास ऐसी है जो आप इतने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना बड़ा झूठ आप कह रहे हो. आई मीन के आई थिंक हमें बहुत सारी चीज़ों को अगर इस मुल्क ने बढ़ना है आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है हमें ऐसे कानून आने चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए कि झूठ फैलाने वालों का अकाउंट बंद कर दिया जाए या उनको फाइन किया जाए. हमारे पास एग्जाम्पल ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है तो कानून होगा तो कुछ हम कर पाएंगे ना, कुछ है ही नहीं. हम हमारी तो अदालतों में भी सियासतें पहुंच गई हैं. बिल्कुल वसीम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं. जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे बात कर सकता है, वो बोल सकता है. अभी एक स्टेटमेंट गैरी क्रिस्टन के नाम से जो है वो सोशल मीडिया पे रोटेट कर रही थी और बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस ने उस स्टेटमेंट को जो है वो शाया किया और वो स्टेटमेंट
मतलब विद सोर्सेज हो, आप कहें जी सोर्सेज हैं तो बात आपको समझ आती है कि चले जी कहीं से कोई लीक हो गई न्यूज़, मगर जब आप स्टेटमेंट की तरह पुटअप करते तो वो ऐसा लगता है कि उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने वो स्टेटमेंट दी। गैरी कर्स्टन के हिसाब से ये स्टेटमेंट आई कि देयर इज नो यूनिटी इन पाकिस्तान टीम, दे कॉल इट अ टीम बट इट्स नॉट अ टीम, दे आरंट सपोर्टिंग ईच अदर, एवरीवन इज सेपरेटेड लेफ्ट एंड राइट, आई हैव वर्क विद मेनी टीम्स बट आई हैव नेवर सीन सच अ सिचुएशन। और फिर एक बहुत नामी ग्रामी जर्नलिस्ट ने जो है उनको व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजा और पूछा कंफर्म करने के लिए कि ये आपकी स्टेटमेंट है, सो ही डिनाइड कि मेरी स्टेटमेंट नहीं, मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं, सो मेरी स्टेटमेंट कहाँ से आ सकती है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं देता। तो मतलब जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, बस लोग चला देते हैं ऐसी स्टेटमेंट आपके नाम से। जी वसीम, वसीम आपकी आवाज नहीं आ रही, सुहेल मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी सवेरा, देखिए मैं तो आप शुरू दिन से यही बात जब से शो पे बैठना शुरू किया है यही कहना कहता आ रहा हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया को लेके तो किसी भी स्टेटमेंट के को लेके किसी भी जगह डिस्कशन करनी नहीं चाहिए अनलेस के आप 200% श्योर हो, आपके पास खुद सोर्स से कोई चीज, एक कंफर्म सोर्स के थ्रू कोई चीज आई हो तो आप उसके ऊपर डिबेट करें या कोई बयान दें तो बंदा, वरना नॉर्मली आप देखते हैं कि 90% चीजें जो है सोशल मीडिया पे वो इधर उधर से शेयर होती होती पूरे मुल्क में फैल जाती है एंड देन पता चलता है कि जी उस चीज का तो कोई वजूद ही नहीं था। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी भी जैसे आपने ये बयान दिया एंड देन तरदीद भी आ गई, अगर कोच हिमसेल्फ उसकी तरदीद कर रहा है तो फिर तो जाहिर है उसके ऊपर डिबेट करनी बनती नहीं है। तो मैं सबसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि किसी भी चीज के ऊपर, क्रिकेट को छोड़ के भी हट के भी, इन इन नॉर्मल लाइफ भी हमारे मुल्क में अभी जो हालात चल रहे हैं आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो किसी भी चीज की तहकीक किए बगैर उसके ऊपर ना तो कमेंट किया जाए ना उसको आगे स्प्रेड किया जाए। हम क्या करते हैं, हम बिना देखे बिना तहकीक किए उस चीज को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं और खामखा का उस चीज का एक झूठ का हिस्सा बनते जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हाँ जब आप श्योर हो कि ये चीज कंफर्म है, वो चाहे किसी चीज के भी बारे में है, अगर आपके पास कंफर्म सोर्सेज हैं यू 100% श्योर तो फिर उस चीज के ऊपर कमेंट भी करें, यू हैव ऑल द राइट्स उसको शेयर भी करें, बट बिना देखे बिना जांचे किसी खबर को वो आगे नहीं फैलाना चाहिए, खामखा की सनसनी फैलती है चीजें। हम इसीलिए हमारे मुल्क की अभी जो रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड है वो देख लें, कहीं ना कहीं इन चीजों का भी उसमें हिस्सा शामिल है, हम इक्वली सारे कसूरवार हैं इस चीज में। हमें मेरे ख्याल में जितने भी लोग हम जो पब्लिक फिगर हैं उनको ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए अवाम में इस चीज को, क्योंकि ये एक अब काफी बड़ा मेजर इशू बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी का, तो इस पर हम सबको मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे तरीके से भी हो सकता है। चीज को मैं अगेन रिपीट करूंगा, कोई भी खबर जब तक आप 100% श्योर ना हो उसको आगे फॉरवर्ड मत किया करें, बिल्कुल आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए कोई भी खबर जिसपे आप 100% श्योर ना हो। वसीम, योर टेक ऑन दैट। देखिए मतलब एक आम पब्लिक में कोई बंदा अपने कमेंट्स दे रहा है या वो कुछ कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली आप उसको मतलब वो आप ज्यादा आपके लिए वो क्रेडिबल वो चीज नहीं होती है तो आप इतना ज्यादा उसको देखते भी नहीं है। लेकिन जब कोई रिकॉग्नाइज एक बंदा है, कोई साफी है जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं, वो जब इस तरह की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप भी कहते हैं कि यार ये तो एक बड़े इदारे से इसका ताल्लुक है तो इसमें कोई ऑथेंटिक बात होगी जो ये बात कर रहा है। लेकिन आई थिंक जो पहला स्टेप हमें लेना चाहिए ना कि जितने भी हमारे इदारे हैं, जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ हैं ना, उस चीज़ को रोका जाए कि जो चीज़ वो कोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर क्या वो कोट करेंगे टीवी के ऊपर आके, वो नहीं करते, वहाँ पे उनके डिफरेंट बयान होते हैं, वही रिपोर्टर टीवी पे आएगा तो वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा होगा और दूसरी तरफ वो सेंस नहीं फैला रहा होगा। तो आई थिंक इदारों का काम है कि जब उनका एक एम्प्लॉई है तो वो उनका 24/7 एम्प्लॉई है उनका, वो जो खबर वहाँ पर गलत फैला रहा है दैट मीन्स के नाम तो आपके इदारे का साथ में आएगा ना कि उस इदारे का रिपोर्टर है। तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि जो इस तरह के हमारे स्पोर्ट्स स्पेशली स्पोर्ट्स के जो साथी हैं, जो बात वो टीवी पे नहीं कर सकते वो जब वो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दैट मींस कि वो करेक्ट चीज नहीं कर रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और इसी तरह की बात देखें, हमने कितनी दफा हमारे शो में इस ट्रांसमिशन के दौरान
कि बहुत सी चीजें हमने ऑफ एयर डिस्कस की कि यार ये किसने कुछ लगाया हुआ है, फिर हमने किया डिसाइड भी कि नहीं ये हमें नहीं लगता कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, इस पे हम बात नहीं कर सकते। बहुत से इदारों को स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखनी पड़ेगी, बिकॉज़ अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कोई ट्वीट भी करते हैं तो दे आर अफिलिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका ख्याल रखें। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जोर का जोड़ में। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, आगे कैसे बढ़ा जाएगा पाकिस्तान की अब अगली मंजिल जो है, या अगला हदफ जो है, या अगली क्रिकेट जो है उसको कहा जाए तो वो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज टेस्ट मैचेस खेलने हैं। क्या हमें जो अब तक की इतलात हैं, मीडिया मुख्तलिफ अंदाज में इसको रिपोर्ट कर रहा है, इसकी तस्दीक या तहकीक को अगर एक तरफ भी रखा जाए कि हैं या नहीं है, अगर हम इस पहलू को ऐसे देखते हैं कि पाकिस्तान कि टेस्ट टीम को कैसे हम उसकी तश्कीलें नौ कर सकते हैं, अगर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना तो हम कह सकते हैं कैसे हम अपने प्लेयर्स का पूल बढ़ा सकते हैं, तो क्या हमें कुछ खिलाड़ियों को आराम की तरफ जाना चाहिए, या फिर जो पाकिस्तान की एक जमी हुई टेस्ट टीम नज़र आती है जिसमें आपको वो चेहरे नज़र आते हैं जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उन्हीं को आगे लेकर बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि अगर नामों को रख कर उसके ऊपर कुछ चीज़ें की जाएँ तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ना है। वसीम साहब, आपको लगता है कि वाकई अब हमें कुछ टेस्ट टीम के साथ यहीं से, और फिर यहीं से हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने 25 की चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ कैसे जाना है, तो एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है इस हवाले से? हाँ देखें, डेफिनेटली हिकमत अमली के बगैर तो कोई काम भी नहीं आप करते थे, तो हम टेस्ट टीम की या टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो उसके लिए देखिए, अब इसमें भी बात वही आ जाती है कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारा जो खेलने का एक मेथड है, स्टाइल है, जो ब्रांड हम खेल रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट में भी आउटडेटेड होता जा रहा है, और ये चीज़ पिछले साल भी हमने देखी थी कि अब हमें थोड़ा सा फास्ट खेलने की ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट को भी, अगर हमने बाकी टीमों के साथ रहना है तो बैटिंग का स्ट्राइक रेट हमें बेहतर करना होगा, बॉलिंग के अंदर हमें यू नो विकेट टेकिंग ऑप्शन की तरफ जाना होगा, कोई मिस्ट्री स्पिनर्स लाने होंगे जो कि जिस जानब यू नो काम हुआ था शुरू। तो आई थिंक इस तरह की जो सीरीज होती है ऑब्वियसली इसके अंदर आप देखें पूल, ये कहते हैं ना जी पूल हम बढ़ाना है, या पूल आपके पास हमेशा मौजूद होता है, जिस मुल्क के अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, आपके पास पूल मौजूद है। अब आप उसको निगलेक्ट करें या उसको आप वैल्यू ना दें तो वो एक अलहदा चीज़ है, तो आप ओपनर्स ढूंढेंगे, आप ओपनर्स भी मिलेंगे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देखेंगे तो आपको वो भी मिलेंगे। इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज और कितना आप ट्रस्ट करते हैं। अगर आप प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते डोमेस्टिक, दैट मीन्स कि आप अपनी डोमेस्टिक के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है जी कि हमारी डोमेस्टिक फारिग है, जिसकी वजह से जो प्लेयर आ रहा है आप उसको नहीं अगर रख रहे हैं, तो आई थिंक इतनी की रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर आपने एक सीरीज आसान सीरीज बोले जी कि आसान सीरीज है, इसमें हमने लड़कों को चांसेस देने हैं, तो प्लेयर आपके पास हर तरह के मौजूद है, चाहे पेसर्स हैं चाहे वो स्पिनर्स हैं, आपके पास मौजूद हैं, परफॉर्मर्स मौजूद हैं डोमेस्टिक के, तो हमें इस तरफ जाना होगा, हमें ये मिथ तोड़नी होगी कि कहीं हम हार ना जाएं, या कोई नया लड़का आएगा तो वो हमें हरा ना दे, जो पुराने हैं वो भी कुछ जिता नहीं रहे हमें इतना ज़्यादा कि हम कहें जी क्रिकेट बगैर टीम बनती नहीं है। तो इसके अंदर रोटेशन पॉलिसी और एक स्ट्रिक्टली पॉलिसी बन जानी चाहिए, सबको ऑन बोर्ड रखें इसके ऊपर। ये भी आप इंट्रो में शायद बात कर रहे थे कि शान मसूद की कोई स्टेटमेंट शायद आई, आई डोंट नो कि वो सही है कि नहीं है, लेकिन अगेन कैप्टन बैठ के इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा जी कि ये चाहिए या वो करना चाहिए, ये फिर हम गलत ट्रेंड सेट करेंगे, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से आना चाहिए, पॉलिसी अनाउंस होनी चाहिए जी, इन लाइंस के ऊपर हम चल रहे हैं। बात वही है कि ये एक बड़े अखबार में जो है ये शाया हुई है, ये एक बड़ी अखबार के अंदर ये खबर आई है, अब वही डाउट्स क्रिएटेड रहते हैं कि वेदर जब सोशल मीडिया पे आया है, एक ऑनलाइन उसके फीचर पे ये अगर खबर आई है तो कितनी सही है कितनी नहीं है। बट लाला, शान मसूद के हवाले से सोर्सेज ये कहती हैं कि उन्होंने बाबर रिजवान और शाहीन को ड्रॉप करने की बात की है, और उन्होंने एक इक्विवेलेंट दूसरी टीम बनाने की बात की है। बट जब हम देखते हैं, जनरली देखते हैं, अक्टूबर नवंबर में ये टीम जो है वो इंडिया जाती है और वर्ल्ड कप खेलती है 2023 का, जहाँ पे बहुत एक शिकस्त ऐसी सामने आती है और तब से टीम खड़ी नहीं हो पाती वापस, एंड देन ये वर्ल्ड T20 2024 की शिकस्त। इन लड़कों को एक मेंटल रेस्ट भी तो चाहिए, ये भी तो एक ज़रूरी है। तो अगर तो ये बात हम सही मान लेते हैं कि शान मसूद ने ये रिक्वेस्ट की है, सो क्या ये सही है?
सवेरे जब तक शान मसूद का कहीं मैं उसके अपने सोशल मीडिया पे या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सुन लूं जब तक मैं यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मुझे फीलिंग है शान मसूद को मैं जानता हूं अच्छी तरह, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का स्टेटमेंट देगा और देना भी नहीं चाहिए। स्टेटमेंट इस तरह के देने वाले नहीं होते, ये आप सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के काम करते हैं, जिस तरह वसीम कह रहा था ये सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलके आप अपने फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, आगे की सीरीज को उसी तरह आप डिजाइन करते हो। मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर हमारी सीरीज हो रही है तो आपको, हाँ आप लड़कों को रेस्ट दो, बिल्कुल देना चाहिए, आप जो अच्छे परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको चांस दें, बिल्कुल दें, लेकिन प्योरिटी पे वही होंगे जो प्लेयर खेलते हुए आए हैं पहले, जिन्होंने परफॉर्म किया, आप नए लड़कों भी चांस दो, लेकिन अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि उन प्लेयरों को हम साइड पे कर दें, भूल जाएं, तो उनको भी आपने स्क्वाड में रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंग्लैंड में क्या होता है, वसीम और सुहेल तनवीर आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे, ये भी सवेरा होता ही है कि टेस्ट मैच अनाउंस होता है, टेस्ट मैच होता है आपका, 11 लड़के अनाउंस हो जाते हैं, 15 का स्क्वाड होता है, 11 लड़के अनाउंस हो जाते हैं, बाकी जो लड़के हैं उन्हें क्लब के लिए या उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वहां भिजवा दिए जाते हैं, तो 12th मैन और 13वां आदमी जो होता है वो उस शहर का लोकल प्लेयर होता है, क्लब लेवल वाला या जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हुआ होता है, वो दो लड़के होते हैं जिनका टेस्ट स्क्वाड में नाम नहीं होता, तो उन दो लड़कों की ग्रूमिंग भी होती है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर क्रिकेट होती क्या है और ड्रेसिंग रूम का माहौल किस सिचुएशन में कैसे होता है। तो आई मीन के हमें अपने सीनियर्स को भी रेस्ट देना है, लेकिन थोड़ा प्लान के साथ अगर चला जाए तो प्लान के साथ जा सकते हैं। हमारी डोमेस्टिक, जिस तरह वसीम कह रहा है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको इज्जत देनी पड़ेगी, वरना आप ना कराओ, और हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स भी हाई करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की फ्लैट पिचों के ऊपर हमारे लड़के हर कोई आके 100-100-100 लगाया हुआ होता है, आपको डिफरेंट ट्रैक्स पे खिलाना पड़ेगा, आपको सीमिंग, बाउंसिंग, अच्छा स्पिन वाला ट्रैक, अच्छी बैटिंग वाला ट्रैक, 4-5 मुख्तलिफ कंडीशन वाले पिचेस पे हमारे प्लेयर्स को पूरा सीजन खिलाओ, उसके बाद आओ देखो सबकी परफॉर्मेंसेस की, किसने क्या परफॉर्म किया है, किस कंडीशन, किस पिच पे परफॉर्म किया है। ठीक है सुहेल साहब, इस तरह जैसे अभी शायद भाई बता रहे हैं कि आप अपने, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर, और दूसरा ये कि फिर आपको डिफरेंट कंडीशंस जो हैं उनको वहाँ पर अपने प्लेयर्स को लेकर जाना पड़ेगा, यानी सारे मुल्क में आप क्रिकेट कराएं, पाकिस्तान में अगर अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रहे हैं, तो आप इस पहलू को किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरह से वसीम साहब ने यह कहा है कि ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो प्लेयर्स ढूंढने वाले हैं वो कहीं छुपे बैठे हैं, वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? स्टेटमेंट दी थी इंग्लैंड में कि पाकिस्तान के पास देयर इज नो टैलेंट, ठीक है ना, तो वो चीज सामने बड़ा मुझे क्रिटिसाइज भी किया कि इस लाला ने ये बात की है, ऐसी बात नहीं है, वसीम वाली बात बिल्कुल ठीक है कि टैलेंट है, मैं भी ये मानता हूँ कि टैलेंट है, लेकिन उसको फिर डेवलपमेंट भी, उनकी ग्रूमिंग भी तो करनी है ना। अब क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, चीजें बहुत आगे चली गई है, दूसरे मुल्क बहुत आगे निकल गए हमसे, हमें डेवलप करने पड़ेंगे। जो हीरे को तराशा जाता है, हीरा अगर कोयले के अंदर पड़ा तो वो हीरा हीरा तो होगा लेकिन कोयला लगा रहेगा उस पर, उसको तराशने की जरूरत है। हमारे पास टैलेंट है लेकिन उनकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी हमें, ये अकेडमी किस लिए है? बिल्कुल बिल्कुल जी सुहेल, अच्छा मैं कह रहा था कि जब हम देखें, इवन जब मैं भी फर्स्ट क्लास वगैरह खेलता था, वसीम भाई भी खेलते थे, हम इकट्ठे खेले हैं पिंडी से, तो हम जब बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस की तरफ जाते हैं तो हम टोटली उस तरफ चले जाते हैं, घास वाली पिचेस बन जाती हैं, बॉल ऐसे यूज होते हैं जो कि मतलब 80 ओवर तक पुराने नहीं होते। फिर अभी जब चेंज आया तो हमने कहा जी कि ओके अब हम थोड़े फ्लैट पिचेस की तरफ जाएंगे, तो वो फ्लैट पिचेस ऐसी, जैसे अभी शाहिद भाई ने कहा कि सेंचुरियों पर सेंचुरियां बनना शुरू हो जाती हैं और बॉल भी आपने कोकोबुरा लगा दी। इस पे आइडियली ये होना चाहिए था, अगर घास वाली पिच पे अगर आप कोकोबुरा लगा देते तो वो फिर भी इट वुड हैव बीन मेक सेंस, या अगर अभी आप खेल रहे हैं फ्लैट पिचेस पे तो यहाँ पे अगर आप वो जो ड्यूक वाला बॉल लगाते जो कि ज्यादा स्विंग होता है तो फिर भी आपको थोड़ा सा बैलेंस नजर आता बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। तो हमें सबसे पहले तो ये चीज फिगर आउट करनी है कि हमें बॉल्स कौन से यूज करने हैं, पिचेस कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सारी। जब तक आप
फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी, परफॉर्मेंस पिचेस के ऊपर होती है ना, बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी तो ज़्यादा वहाँ पे बॉलर्स ने 70-70, 80-80 आउट करने हैं सीजन में। तो अगर बैटिंग पिचेस जैसे वो कराची में नॉर्मली आप देखते हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, वहाँ पर फ्लैट पिच बनती है, तो हमें याद है कि हमारे पंजाब वाले मोस्टली बैट्समैन खुश होते थे जब कराची वाले, उन्होंने काउंट किए होते थे कि कराची वाला मैच होगा तो वहां पे हमने जो अपने पूरे सीजन के उसमें से आधे रन वहां जाके करने हैं, यू नो, तो वो बैलेंस लेके आना बड़ा जरूरी होता है। हम टिल्ट हो जाते हैं, इसी तरह जब सिलेक्शन की भी बात हो रही है, सिलेक्शन में भी हम ऐसे ही करते हैं कि या तो अगर हमने रेस्ट कराना है, प्लेयर डेवलपमेंट करनी है, तो हम सारे के सारे यंगस्टर डाल देंगे, उसकी एग्जांपल अफगानिस्तान वाली सीरीज हमारे सामने है। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखना पड़ता है, यू नीड सीनियर्स एज वेल। अभी ऐसे हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बांग्लादेश की टीम आ रही है, यस वो हल्की टीम नहीं है, मतलब बड़े अच्छे से टेस्ट प्लेइंग नेशन है और अपने होम ग्राउंड पे तो दे आर काइंड ऑफ अनबीटेबल, तो उसको हल्का आप नहीं ले सकते, बट आपने अपने प्लेयर्स डेवलप करना है तो आप सीनियर्स के साथ, आपको शान मसूद वाली स्टेटमेंट जैसे वसीम भाई ने भी कहा कि आई एम नॉट श्योर कि उसमें कितनी सदाकत है क्या नहीं, आइडियली तो ये ऑब्वियसली इट्स चीफ सेलेक्टर्स डोमेन कि वो डिसाइड करेगा हाउ वी गोना गो फॉरवर्ड। यस यू नीड इनपुट फ्रॉम कोच और कैप्टन की आप देते हो, बट ये बेसिकली जॉब जो है वो चीफ सेलेक्टर की होती है कि उसने डिसाइड करना होता है व्हाट इज वे फॉरवर्ड। ये लेकिन साहब हमारा चीफ सेलेक्टर है कोई नहीं ना, इसी का हेड मेरे ख्याल में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। I mean, चीफ सेलेक्टर नहीं है लेकिन सिलेक्शन कमेटी तो है ना। What my point is कि ये जो डोमेन है कि किसको होना है या पॉलिसी क्या होनी है, ये फाइनल वर्डिंग जो है वो सिलेक्शन कमेटी की है। यस कोच कैप्टन अपनी इनपुट दे सकते हैं कि जी हम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, बट वो उससे सिलेक्शन कमेटी अग्री करती है या नहीं ये सिलेक्शन कमेटी का स्वाबदीद है। इसी तरह जब 15 बन जाते हैं ना, तो फिर जैसे कोच और कैप्टन की स्वाबदीद होती है कि वो अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने डिसाइड करनी होती है, तो ये बैलेंस लेके चलना पड़ता है चीजों को। आइडियली तो अब ये होना चाहिए इट्स अपॉर्चुनिटी, यू प्लेइंग होम सीरीज अगेंस्ट कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि वीक प्लेइंग टेस्ट नेशन है, उसके खिलाफ आप अपने जो पिछले साल के डोमेस्टिक परफॉर्मर है, और मैं पिछले साल के नहीं कहूंगा, ये हम बड़ी गलती करते हैं कि हम कहते हैं जी जिसने अभी इस सीजन में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया आप उसको ले आओ। हमेशा आपने पिछले 2-3 सीजन की परफॉर्मेंस को देख के उनमें से लड़कों को पिक करना चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, ना कि हर सीजन का टॉप परफॉर्मर आप खिला दें, बेशक उसने पिछले 2 सीजन में कुछ नहीं किया हुआ, या पिछले 2 सीजन में जिसने टॉप रन किए हुए इस सीजन वो शायद टॉप 10 में आता हो, टॉप नहीं किया तो उसकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस वेस्ट हो जाती है। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप कंपेयर करते हैं 3 सीजन को या 2 सीजन को एटलीस्ट देख लें कि 2 साल में सब फॉर्मेट में किसने अच्छा परफॉर्म कंसिस्टेंटली किया हुआ है, नॉट आइडियली कि आप कहें जी जिसने सिर्फ टॉप किया है वही खेलेगा। अगर मैं मिसाल देता हूं, एक बैट्समैन सारे फॉर्मेट में टॉप 10 में आ रहा है तो इट्स मीन कि वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप उसको मौका दें। सेम गोज टू बॉलर्स। तो ये एक बड़ी वो बात वही है प्लानिंग की, यू नीड टू प्लान। आप प्लान करते हो चीजें, यंगस्टर कितने होने चाहिए, सीनियर कितने होने चाहिए, यू नीड सीनियर के यंगस्टर आएंगे, आप सारा कुछ यंगस्टर्स के ऊपर नहीं डाल सकते, वो आएंगे तो सीखेंगे किससे, टीम हारेगी, अगर टीम हार जाती है तो फिर ऑब्वियसली सारा ब्लेम उन पे चला जाएगा, जैसे अफगानिस्तान सीरीज में क्या था वो जी देख लें, यंगस्टर सारे करते थे, यंगस्टर खिलाएं तो रिजल्ट क्या है, तो यूने आपको बैलेंस रखना पड़ता था कि आप रिजल्ट भी सेम टाइम पे प्रोड्यूस कर सकें एंड सेम टाइम पे आप डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर को भी लुक आफ्टर कर सकें। बिल्कुल, एक प्रॉपर मिक्स बनाने की बात करें अगर, तो वसीम मैं आपकी तरफ आऊंगी, अगर तो ये जो हमारे इस वक्त मेन लड़के हैं टीम के, अगर उनको ये सोच के रेस्ट दिया जाए कि मेंटल फटीग हो गई अभी इस टूर्नामेंट से वापस आने के बाद, सो आपकी नज़र में कौन से वो लड़के हैं जो इनकी जगह, लेट्स से फास्ट बॉलिंग के शोबे की बात करें या मिडल ऑर्डर की बात करें, तो कौन से ऐसे लड़के हैं जो फिल इन कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले भी जो सुहेल ने इंपॉर्टेंट बात की है ना कि ऑब्वियसली आप एकदम से पूरी टीम नहीं खिलाएंगे आप, उसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए, लेकिन अब बात आती है एक्सपीरियंस की, नॉट नेसेसरली कि आप बाबर आजम ही आपके एक्सपीरियंस बैट्समैन है और कोई नहीं है या और कोई परफॉर्म नहीं कर रहा या रिजवान है या इस तरह कोई और लड़का है, आप जो आपका सेकेंड टीयर टीम के अंदर है दे बिकम सीनियर्स, लाइक्स ऑफ सऊद शकील है आपके पास, आपके आगा सलमान है, अब्दुल्ला शफीक है, ये परफॉर्म करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हैं क्योंकि साल डेढ़ डेढ़ साल इनको तो साल हो गए हैं खेलते हुए, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं कि दे हैव टू स्टेप अप, कि इन्होंने जगह लेनी है अपने सीनियर्स, मोस्ट सीनियर्स की टीम के अंदर, ये सीनियर्स होंगे इनके साथ आप लड़के ऐड करते हैं। तो आई थिंक ये जो है कि
लड़के डोमेस्टिक वाले डेफिनेटली देखें, एक जो अभी हम शायद भी बात कर रहे थे हीरा तराशने वाली, तो वो तराशने का भी जो प्रोसेस है ना, हमें उसको दोबारा से देखना होगा कि सऊद शकील क्यों दो साल बाद खेला टीम के अंदर रह रहे के, स्क्वाड के अंदर था उसको डेढ़ दो साल लगे टीम के अंदर आने में। आगा सलमान को भी इसी तरह बहुत देर अपॉर्चुनिटी मिली, ही वाज सिलेक्टेड लाइक तीन साल पहले, कुछ लड़के जो सिलेक्ट हुए उधर से ही वो बेचारे बाहर हो गए, लाइक्स ऑफ कामरान गुलाम जिनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, एक साल नहीं दो साल नहीं दो दो तीन तीन साल की इनकी परफॉर्मेंसेस थे। तो हमें एक एक मैकेनिज्म बनाना होगा भाई कि ये लड़का आया है तो इसको हमने ग्रूम करना है, और पहला हक उन्हीं लड़कों का है, देयर इज ऑलवेज अ क्यू, ये नहीं कि आप एक लड़का अभी एकदम से टॉप के जी ले उसके टीम के अंदर, जो पीछे परफॉर्म करता आ रहा है उसकी वेटेज ज्यादा आपके पास, अनलेस के उसकी फिटनेस या यू नो कोई और चीजें ऐसी जहां आप देखते हो कि यार ये हमारे पास बेहतर चॉइस है, अदरवाइज पहला हक उसी का बनता है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं दो दो तीन तीन सीजन के साथ, और उसी पॉलिसी के तहत आपको ये लड़के मिले थे, चाहे वो सऊद था चाहे वो आपके आगा सलमान थे, अबरार टीम के अंदर आए, नोमान अली आए, ये इसीलिए आए कि एक एक साल की परफॉर्मेंस पे नहीं आए थे, ये दो दो तीन तीन साल उन्होंने परफॉर्म किया था, हर कंडीशंस के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया था। तो आई थिंक सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको किस टाइप के प्लेयर्स चाहिए, आपके पास परफॉर्मर्स मौजूद हैं, मोहम्मद अली जैसे आया था आपका टेस्ट टीम के अंदर, ही वाज योर बेस्ट फास्ट बॉलर्स फॉर लास्ट टू इयर्स, मतलब मोहम्मद अली जैसे आया था वैसे ही आपको जो परफॉर्मर्स हैं और जिनकी कारकर्दगी में तसलसल है डोमेस्टिक, आपको उनको तरजीह देनी चाहिए और यहीं से आप एक मेरिट मुकर्रर करते हैं, और उसके साथ साथ फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में कब कैसे कहाँ मौका मिलेगा, ये सारी की सारा एक तसलसल, अगर आप इस पर चलते हैं तो कारकर्दगी आपकी बेहतर हो सकती है। यहाँ पर एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल, मगर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से हमने बहुत ही कम गुफ्तगू की है, बिकॉज पाकिस्तान में क्या सेटबैक हो रहा है, क्या आगे रद्देअमल होना चाहिए, टीम कैसे आगे चलनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या चेंजेस होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी डिस्कशन हुई। मगर यस, सुपर एट का सिलसिला अब टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 में शुरू हो रहा है, एंड पहला जो आमना सामना होगा दैट वुड बी यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज यूएसए ने दी हैं, और साउथ अफ्रीका जो कि मशहूर है कि वो पीक टाइम्स पे चोक करती है, तो कभी भी गिवन डे पे आपको यूएसए यहाँ सक्सीड करती हुई दिख सकती है। मोहम्मद वसीम और सुहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आपकी तरफ आऊँगी मैं, इट इज़ यूएसए वर्सेज साउथ अफ्रीका, और कुछ ऐसा लगता है कि यूएसए की टीम एक एक अजीब किस्म के फ्लो में चल रही है और कभी भी किसी भी टीम को चैलेंज कर सकती है। देखिए, पहले तो यूएसए नहीं होता तो यहाँ किसको होना चाहिए था, दिमाग तो फिर उधर ही चला जाता ये हमारा हमें चुपता रहेगा जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा। देखिए, अब देखिए, यूएसए के पास ऑब्वियसली वो एडवांटेजेस नहीं मौजूद हैं जो उनको वहाँ पे थे, होम ग्राउंड हमने देखे उनको, वो वहाँ पे थोड़ा जो एडवांटेज था। एक दूसरा हम कंपैरिजन करते हैं साउथ अफ्रीका के साथ, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की टीम आपको तीनों शोबों में बहुत आगे नजर आती है, चाहे फास्ट बॉलिंग है, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट है, बैटिंग में आप देखते हैं, फील्डिंग में आगे देखते हैं, तो ऑन अ गिवन डे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऐसे अब देखते हैं जी प्री मैच में थोड़ा सा चीजों को देखते हैं किस तरफ जा रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ चांस नजर नहीं आ रहा एज ए टीम यूएसए का, अनलेस कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स में से जैसे हमने देखा था जॉन्स खेल जाए या किस तरह का प्लेयर स्टेप अप कर जाए। एज ए टीम में देखो तो ऑब्वियसली वहां पे आपको साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसकी क्लियर नजर आ रही है, उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उनकी बॉलिंग का है कि उनके स्पिनर्स और पेसर्स सारे इस टाइम फॉर्म के अंदर है। हाँ, बैटिंग उनका हमने देखा है कि कलैप्स की है, अगर उस तरह का कोई ड्रामेटिक क्लैप्स हो जाए तो फिर शायद यूएसए इन होता है, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं यूएसए का कौन सा ऐसा बॉलर है जो एकदम से उनको उड़ा के रख देगा, तो फिर आप कहते हैं नहीं, ये साउथ अफ्रीका का पल्ला हमें भारी नजर आता है। बिल्कुल, और मतलब एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, मैं ये ऐड इन करती चलूं, क्योंकि पहले से प्री सीडिंग हुई हुई थी एंड ए टू जो है वो पाकिस्तान का था, सो आपको ये दिख रहा है कि ये मैच प्राइम टाइम पे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये प्राइम टाइम पे मैच किया जाएगा, दो के यूएसए की बात करें तो यूएसए में उस वक्त रात हो रही होगी या सुबह हो रही होगी जिस वक्त ये मैच फीचर किया जाएगा। तो वसीम साहब कैसे देख रहे हैं ये जो अभी शुरू में सोहेल साहब, जैसे वसीम साहब ने कहा कि उसूलन तो ये पाकिस्तान का मैच होना चाहिए था लेकिन अब वो नहीं है, तो यूएसए आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हैरान कर सकते हैं साउथ अफ्रीका को, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी जो पूल मैचेस खेल कर आए हैं उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं ज़्यादातर उन्होंने बड़े उनके करीबी करीबी मैचेस हुए हैं, कोई आसानी से फतह नहीं मिली उनको।
देखिए सबसे पहले जब तक साउथ अफ्रीका का यूएसए का जिस दिन मैच होगा मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानी फैंस के जख्मों के ऊपर नमक का जाएगा तो बट क्रेडिट टू यूएसए के जिस ब्रांड की क्रिकेट उन्होंने खेली और वो सुपर एट में आए. ऑब्वियसली अब असल क्रिकेट उनके लिए मतलब रियल चैलेंज अभी शुरू होगा. ऑल्दो कि उनका पहले वर्ल्ड कप खेलने का जो एक वो मेरे ख्याल में गोल जो होता है ना एज ए टीम आप कहते हो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं तो इस वर्ल्ड कप का गोल मेरे ख्याल में उन्होंने अचीव कर लिया एज ए टीम. एज ए टीम यूएसए अगर मैं देखूं मैं बीइंग ए यूएसए फैन हूं या यूएसए का प्लेयर हूं तो मेरे ख्याल में दे हैव अचीव्ड अ लॉट ऑलरेडी. अब ये उनके वो आप बोले आइसिंग ऑन केक है या टॉप अप है बट इट्स दे कैन टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे एक बड़ी टीम को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो इट विल बी अ ह्यूज बोनस और उनके लिए यूएसए क्रिकेट के लिए बड़ा जो है वो एक प्लस पॉइंट होगा. ऑन पेपर अगर मैं देखूं जैसे वसीम भाई ने कहा ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका हैज ह्यूज अपर हैंड कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है. थोड़ा सा कंसर्न अगर आप कहें मैं देखूं तो उनका टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली वो भी कंडीशन की वजह से क्योंकि न्यूयॉर्क में जहाँ मैचेस हो रहे थे मोस्टली मैचेस वो खेले आपने देखा कि सब टीमों के टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए वो फॉर्म से ज्यादा कंडीशन की वजह से हमें नजर आए. यहाँ पे क्विंटन डिकॉक या उनके बाकी जितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनके लिए ऑब्वियसली आप चाहे जिस तरह की मर्जी कंडीशन में हो वो जब रन नहीं होते दो तीन मैचेस में तो कहीं ना कहीं एज ए बैट्समैन बैक ऑफ माइंड आपके चीज आती है कि दो तीन इनिंग्स में रन नहीं हो तो प्रेशर थोड़ा सा आ जाता है आपके ऊपर. तो इट डिपेंड्स के हाउ दे बैटर कॉप अप बट अगेन यूएसए के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि वो ऑब्वियसली टिल नाउ वो उन्होंने जितने मैचेस खेले हैं वो जीते हैं या हारे भी हैं तो एज यू सेड के कम्पीट करके हारे. ऐसा नहीं हुआ कि वो आसानी से दूसरी टीम उनसे मैच इवन इंडिया से जो भी मैच उनका हुआ एक टाइम पे दे वर प्रीटी मच इन द गेम. वो तो फिर एक पेनल्टी के 5 रन हुए वहां से ये डीमोरलाइज हुए बट 35 ओवरों तक दे कम्पीटेड. सो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के लिए ऐसा नहीं होगा कि वो बस आएंगे और जीत जाएंगे. प्लस पॉइंट जो यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो वो जो एक बिलीव उनके अंदर आया हुआ है ना एज ए टीम जब आप एक मुश्किल मरला कंप्लीट करके आते हैं तो आप में एज ए टीम एक बिलीव होता है तो वो एक बिलीव इनके लिए की फैक्टर हो सकता है. ऑब्वियसली स्किल वाइज तो दे दे आर नॉट क्लोजर टू साउथ अफ्रीका बट एक जो प्लस पॉइंट मेरे ख्याल में इनके लिए है कि दे आर फाइटिंग एज ए टीम. उनको एक एक गोल दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड और अब उसको वो टॉप अप करने की कोशिश करेंगे तो एक्साइटमेंट तो होगी बट लेट्स सी कि वो एक्साइटमेंट को यूएसए कैसे अपने फेवर में रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है. क्योंकि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका का भी बड़े स्केची गेम्स रहे. मतलब श्रीलंका के गेम को अगर आप हटा दें तो उसके बाद नेदरलैंड्स चैलेंज देम वो नेदरलैंड्स के सामने बिल्कुल एक लूजिंग पोजीशन पे आ गए थे. उसके बाद फिर अगेंस्ट बांग्लादेश भी वो बिल्कुल डाउन दी वायर जाके जीते एंड फिर अगेंस्ट नेपाल भी कहीं ना कहीं जो है जिस तरह चैलेंज होते हुए देखे. सो यस साउथ अफ्रीका का भी ये सफर जो है वो बड़ा कोई स्मूथ नहीं रहा है. बट एंटीगा की कंडीशंस की सोहेल मैं आपसे पूछूं तो एंटीगा की कंडीशंस किसको सूट करेंगी ज्यादा अब तक जितना हमने यूएसए को देखा और साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ तो हमें पता ही है. आई थिंक जो मैंने एंटीगा में मैचेस देखे हैं स्लो बॉलर्स विल कम इन टू प्ले और इतने अच्छे स्पिनर्स हैं नहीं यूएसए के पास. अब साउथ अफ्रीका ने तबरेज़ शम्सी को भी खिलाना शुरू कर दिया है. मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंडीशन जो है और साउथ ये यूएसए के बैट्समैन मैंने पहले भी मैंशन किया कि नॉर्मली कारपेट के ऊपर वो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर स्पिन का तो कोई इतना एलिमेंट होता नहीं. नॉर्मली फास्ट बॉलर्स को ही फेस करते हैं तो स्पिन के खिलाफ वो कितना अच्छा खेलेंगे ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. ऑब्वियसली शम्सी है उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराज हैं वो दे विल कम इन टू प्ले और जो हमने मैच अभी इंग्लैंड का और नामीबिया का देखा था आई थिंक ये सिमिलर वेन्यू पे मैच है तो वहाँ पे आपने देखा था बड़ी ट्रिकी सी पिच थी. बॉल पिच में फंस के आ रहा था कोई स्विंग भी अर्ली ऑन हुआ वो तो बिकॉज ऑफ रेन था शायद लेकिन नॉर्मली आपने देखा कि बॉल स्लो आ रहा था और फंस के आ रहा था. स्पिनर्स विल डेफिनेटली कम इन टू प्ले अगेन आई विल रिपीट के देखते हैं कि स्पिनर्स को कितना अच्छा खेलते हैं यूएसए के बैट्समैन. जी वसीम साहब ये जो आपको लगता है फिर इन मैचेस में जब आप सुपर एट में चले गए हैं तो तजर्बा एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है जब एक निस्बतन ना तजर्बा का टीम के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की टीम खेलेगी या आगे भी यूएसए जिनके खिलाफ खेलता है तो एक वो जगह होगी कि वो जहाँ पर ज़्यादा फंस सकते हैं.
देखिए अभी मतलब तो जैसे सोहेल ने कहा ना, अब तो बोनस ऐसा था यूएसए के लिए, उनके प्लेयर्स ने छुट्टी भी यहाँ तक ली थी, उनको दोबारा छुट्टी अप्लाई करनी पड़ी अपने काम से, तो वो उनके लिए तो बोनस है। तो ऑब्वियसली उनके ऊपर वो जो प्रेशर है वो तो मतलब उनके ऊपर अब वो जीत वाला जो प्रेशर था वो तो उस तरह का नहीं है, ऑब्वियसली दे हैव अचीव्ड दे मतलब उससे ज्यादा उन्होंने अचीव कर लिया है, तो बोनस ही है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस का, डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ें नजर आएंगी, स्किल सेट का भी हमें डिफरेंस नज़र आ सकता है, एक्सपीरियंस का भी हमें नज़र आ सकता है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो यूएसए की टीम ने ऐसी क्रिकेट खेली है कि जिससे भी उनका मैच होगा ना तो वो आराम से नहीं कहेंगे जो यूएसए से कल मैच चल करते हैं, बिल्कुल वो पूरी प्लानिंग करेंगे, हर चीज़ वो देखेंगे क्योंकि यूएसए ने करके दिखा दिया है। अब अडैप्ट कैसे करते हैं इन कंडीशंस को, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपीरियंस आता है कि जो लड़के सीपीएल खेले हुए हैं पहले या जिनका ज़्यादा एक्सपोजर है इंटरनेशनल क्रिकेट का, वहाँ पर फिर एज मिलती है साउथ अफ्रीका के, उनके बैट्समैन ऑब्वियसली एशिया में भी खेले हुए हैं, आगे पीछे आ जाओ वो खेलते हैं, वो ट्रेनिंग पिचों में खेले हुए हैं साउथ अफ्रीका, अगर हम यूएसए के बैट्समैनों को देखते हैं तो ये उनके लिए चैलेंज होगा। तो ये आप एलिमेंट्स या फैक्टर्स देखते हैं तो इन चीज़ों का एज तो डेफिनेटली मिलता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका को। लेकिन यूएसए को कभी भी हम मतलब ये नहीं कहेंगे जी वो वन साइडेड मैच होगा, कोई भी कंडीशंस होंगी, जब तक वो दो तीन मैच ऐसे आते नहीं भाई हम तो कहेंगे यूएसए किसी को भी हरा सकता है क्योंकि उन्होंने हमें हराया हुआ है। बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे कह रहे हैं, बड़ी दिल पे लगी हुई है हर जुमले में वसीम के, वो दर्द जो है वो बिल्कुल फील हो रहा है। बट वो हम सुपर एट की जरा लिस्ट देख लेते हैं कि अब ग्रुप वन और ग्रुप टू क्या सामने आया है सामने, और क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो साउथ अफ्रीका के सामने और यूएसए के सामने और आएंगे। सो अगर हम सुपर एट की बात करें तो ये टीम्स ग्रुप वन और ग्रुप टू। जी, ग्रुप वन में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें हैं, जबकि हम ग्रुप बी को देखते हैं यानी कि ग्रुप टू को देखते हैं तो वहाँ पर यूएसए, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका की टीमें नज़र आ रही हैं। तो ये 8 टीमें हैं जो ग्रुप वन और ग्रुप टू में सुपर एट स्टेजेस के ऊपर इनके मैचेस खेले जाएंगे। ये 2 ग्रुप हैं, जबकि शुरू हुई थी बात 20 टीमों से जो कि सिमट कर आ गई है 8 टीमों तक, और यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड भी नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर आपको पाकिस्तान भी नज़र नहीं आ रही है, और यहाँ पर आपको अब देखें अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें नज़र आ रही हैं जो कि यूएसए भी नज़र आ रहा है आपको, हैरान करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में फिर ये टीमें किस तरह की क्रिकेट खेलती हैं। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता नगाह से जैसा अभी सवेरा वसीम ने बात की शुरू में कि उसूली तौर पर तो पाकिस्तान को होना चाहिए था, और बात उन्होंने ख़त्म की है कि वैसे जब चूंकि उन्होंने हमें हराया हुआ तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल जी, इसी तरह की जो है जिस तरह कम्पीट किया इंडिया के खिलाफ भी यूएसए ने, एक स्टेटमेंट सेट ज़रूर किया है, यू कैन नॉट टेक दिस टीम लाइटली एट ऑल, बट अब ये देखना है कि कैसे आज के मैच में परफॉर्म करेगी यूएसए की टीम अपने घर से बाहर निकल के, बिकॉज रेगुलरिटी में हमने देखा कि यूएसए ने बांग्लादेश के साथ सीरीज खेली, वो विद इन यूएसए खेली, उसके बाद विद इन यूएसए ये सारा जो उनकी परफॉर्मेंसेज आई वो आई, अब जब घर से बाहर निकलेगी टीम यूएसए तो किस तरह परफॉर्मेंस आएंगी और साउथ अफ्रीका कैसे स्टैंड अप करेगा इस चैलेंज पे, बिकॉज यस वी कैन नॉट टेक यूएसए लाइटली। एंड विद दैट सुहेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया और बस यहाँ पे अब सिलसिला खत्म करते हैं, इजाज़त लेते हैं। सो सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।